बमराह अदालत में वो आपको मेरे ख्याल में सारा कोई रिपोर्ट हो ही है। मैं तो देखने आया था कि यहाँ प्रोसीडिंग चलती कैसे है, और मैं समझ रहा था शायद आज कोई लाइव ब्राह रास्त के दिखाया जाएगा, लेकिन वो जजेज ने फैसला किया कि ब्राह रास्त हम नहीं दिखाएंगे। और उस फैसले के बाद मैं देख रहा था इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज, वो तो ऐसे जैसे जेल में नहीं है, ड्राइंग रूम में ऐसा फील हो रहा था। यानी जो चीज़ें उनकी रिपोर्ट होती हैं जेल से, वो उसके बिल्कुल बरक्स है। कोई कमरा था उसमें एसी वेसी तो नहीं था, पीछे पंखा चल रहा था, कायदे आज़म की एक फ़ोटो लगी हुई है, घड़ी जो है वो 5 मिनट पीछे है उनकी जो वहाँ पे लगी हुई है, और पुलिस वाले आ जा रहे थे। मैंने यानी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी फिटनेस में, यानी जो इमरान खान मैंने मई 2023 में देखा था, आज मैंने उससे बेहतर इमरान खान देखा है। अच्छा, हाँ, यानी वो मैंने उससे बेहतर आदमी, मैंने बोलते हुए तो अभी सुना ही नहीं ना इमरान खान को। अच्छा, वो इमरान खान का बोलना चाह रहे हैं, मुझे लगातार लग रहा है कि वो बोलना चाह रहे हैं। वो अपने हाथों को बातों का ऐसे करते हैं कि जैसे वो बोलना चाहते हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा अभी, और जितनी देर से मैं उन्हें देख रहा हूँ वो बोलना चाहते हैं, लेकिन बड़े गौर से वो एक एक चीज़ सुन रहे हैं, और कई चीज़ों के ऊपर वो मुस्कुराते हैं, कई चीज़ों के ऊपर जो है वो ऐसे नोट करते हैं, कई ऐसे नोट करते हैं, यानी वो इन्वॉल्व है पूरे केस के अंदर। बॉडी लैंग्वेज और मूड कैसे है खान साहब का, एग्रेसिव है, गुस्से में? मेरे ख्याल में उनके पास कुछ कहने के लिए है जो वो कहना चाहते हैं, ड्रेसिंग अब पता नहीं उन्हें मौका मिलता है। जो ड्रेसिंग स्ट्रीम है, ड्रेसिंग इमरान खान की ड्रेसिंग, वो इस बात वो मेरे ख्याल में दूसरी शर्ट है उनकी, वो बटन वाली शर्ट जो होती है। काजी साहब लाइव स्ट्रीमिंग से परेशान है, आपको क्या लगता है? काजी साहब लाइव स्ट्रीमिंग से थोड़ा परेशान लग रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब तो वाजे कह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट है, नहीं वो 4-1 का फैसला है, काजी साहब अकेले नहीं है, 3 और जजेस ने भी कहा कि ना दिखाया जाए। अब उसके पीछे रीज़न जो है वो तो डिटेल जब जजमेंट आएगी तब पता चलेगा, लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, इससे पहले ये दिखाया जा रहा था, बीच में एक आदमी आया और उन्होंने कहा यहाँ से नहीं दिखाना, तो एक्चुअली ये इमरान खान को ना दिखाने का रीज़न है और कोई भी नहीं। क्यों नहीं दिखा रहे सर, ऐसे क्या वजह, क्यों नहीं दिखा रहे? यार वो एक फोटो ने क्या कर दिया था, पूरे पाकिस्तान में उसको दिखाएंगे तो क्या होगा, आपको आइडिया तो है। अच्छा, काफ़ी देर से खामोश बैठे थे इमरान खान साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि उनका दिल कर रहा था कुछ बोलें लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा, क्या वजह, इनको बोलने का मौका क्यों नहीं दिया? देखिए अल्टीमेटली तो मिल ही जाएगा, वो बोलने के लिए बैठे हुए, आज नहीं मिलेगा अगली पेशी पर मिल जाएगा, उससे अगली पर मिल जाएगा, लेकिन उनको बोलना है, उनके पास मवाद, ऐसा लगता है कि वो उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वो बात पॉइंट्स को नोट भी कर रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी देख रहे हैं, कभी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ऐनक निकालते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। एड्रेस शर्ट है उनकी, उसी कलर में थोड़ी डार्क ब्लू है, तो लोगों का इंटरेस्ट होता ना बता देते हैं, तो वो उनकी डार्क ब्लू है थोड़ी सी आज की शर्ट, और हाँ उनके हाथ दो खवातीन बैठ के रो रही थी, देख रहे होंगे दो खवातीन अंदर बैठ। हाँ अच्छा, वो एक दहशतगर्द आ गया अंदर आज, उसने आगे पाँव से LCD बंद कर दी, हाँ उसका वो स्विच हिल गया पाँव से, और सब उसको ऐसे देख रहे थे अदालत में जैसे कोई दहशतगर्द आ गया और इसको जो है वो सारे अटैक कर देंगे। यानी अदालत के अंदर बहुत सारे लोगों की नज़रें उधर हैं, जिस तरफ वो केस के ऊपर मुझे लगता है उतनी तवज्जो नहीं है जितनी वो स्क्रीन के ऊपर तवज्जो है कि यहाँ देखें इमरान खान आया। आज मोबाइल फोन भी अंदर ले जाने में खासी सख्ती है, और पहरा कड़ा जरा फोटो निकली तो नहीं अभी तक कोई? अच्छा अभी तक नहीं निकली, अच्छी बात है, मेरा ख्याल कामयाबी मिल रही है। लेकिन उधर मैंने नोट किया कुछ लोग सिर्फ इसी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, यूँ करके देख रहे हैं रडार लगा के, जैसे वो मुराद सही नहीं देखता था इमरान खान, ऐसे में मैंने अंदर 2-3 लोग देखे हैं वो ऐसे ही इधर उधर देख रहे हैं। फोटो रिलीज करना आज तो उतना आसान नहीं है, पहले भी जो रिलीज हुई थी वो तो अंदर से हमले में किसी ने की थी, जो लोग केस सुनने आते हैं जर्नलिस्ट आते हैं उन्होंने तो ये काम नहीं किया था, पहले भी नहीं किया था। अच्छा, कुछ औरतें दो रो रही थी कि ये क्या मजा है, मैंने उनको देखा, बाकी वो दो औरतें रो रही थी, वो उन्होंने मुंह किया हुआ था उधर को खान साहब की स्क्रीन की तरफ को, और वो बैठ कर रो रही थी और पढ़ पढ़ के फूंक रही थी। ये बात की जाए तो जुडिशरी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं लग रही? हम इद्दत केस को देखें, साइफर केस को देखें, या इमरान खान के बाकी केसेस को देखें, फैसले तवील दौरानिये तक महफूज होते हैं, या फैसला सुनाने का वक्त आता है तो कल खबर मनिका साहब रोना शुरू हो गए, जज ने कहा देखिए ये बात इमरान खान के जो शदीद मुखालफीन है उन्होंने कहा कि इमरान खान को गलत सजाएं दी गई, इसके साथ ज्यादती की गई है, और जैसे ही इंसाफ होगा ये केसेस एवेपोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यानी जो सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब के मुखालफीन है उन्होंने अपने मुँह से नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ कर ये बात की है, तो इसके लिए और तो कोई गवाही चाहिए ही नहीं कि ये मुकदमा कैसे बने और कैसे चले। आपको लगता है कि ये केस इद्दत वाला केस दोबारा जो है उसी अदालत में जाएगा शाहरुख अर्जुमन की अदालत? यार ये तो गंद है यार, ये इद्दत वाला केस तो नहीं है, तो गंद है, इसको आप जितना मर्जी उछाल लें, जहाँ तक मर्जी इसको आप ले जाएँ, ये तो गलीज हरकत है। जिसने भी ये केस किया, अच्छे खासे जो बंदे जिनके पास स्टेटस है बाकायदा कि वो बहुत ज़्यादा एंटी इमरान खान है, वो लोग भी कहते हैं कि यार ये ज़्यादा है,
ये नहीं होनी चाहिए। जो इज्जतदार आदमी है ना वो इस चीज को अच्छा नहीं समझता कि ये गलत है। इमरान भाई इमरान बताइएगा कि आज जो चारे का फैसला आया है कि नहीं दिखाया जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई, क्या ऐसा ही फैसला मुतवक्के है नैब तरामीम का जो अभी बेंच सुन रहा है, क्या नैब तरामीम करने वाले जो है उनको मुस्तफीद हो पाएंगे? ये केस अभी चलेगा, देखिए ये केस पहले तो अगेंस्ट आया ना, अभी दोबारा अपील में गवर्नमेंट गई हुई है, केस अभी चलेगा, पता चलेगा आर्गूमेंट्स के साथ कि कौन कितना अच्छा केस लड़ रहा है। मेरी जाती राय में इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, जितने लोग पीडीएम की हुकूमत में आए थे वो लोग मुस्तफीद हुए उनमें से बहुत सारे अपनी नैब अमेंडमेंट्स के ज़रिए से, यानी उन्हीं लोगों ने कानून को तब्दील किया जिनके ऊपर केसेस थे और फिर वही लोग बेनिफिशरी बन गए नए कानून के, तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सबसे अहम नुक्ता है इस सारे मामले का। अब ये जजेस के दिमाग में भी होगा, देखते हैं क्या होता है। इमरान भाई ये बताएगा, इमरान भाई ये बताएगा कि आज जहाँ पर आपने इमरान खान साहब को देखा, दूसरी तरफ काजी फैज ईसा साहब को भी बड़े अरसे बाद आपने देखा, तो नहीं जी मैंने आज काजी फैज ईसा साहब को पहली दफा देखा और उन्हें मैंने पहली दफा देखा। उन्होंने आपको देखा? आपको तो वो बुला, आपने कहा था आप मुझे बुला लें एक दफा, लेकिन उन्हें उन्होंने बुलाया भी नहीं, तो आज तो आप आ गए। वो तो मुझे जब बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, मैं तो ये बार बार कहता हूं कि बुला लें। काजी साहब कहा करते थे इमरान रियाज कौन है, तो कोई आमने सामने हुआ, कोई देखा आपको कोई? नहीं नहीं मेरे साथ कोई बातचीत नहीं हुई काजी साहब की, मैं आया था सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, ये देखने के लिए आया था कि ये समाज कैसे हो रही है, क्या ये लाइव जाएगी नहीं जाएगी। मेरा अपना भी एक केस लगा हुआ है, उस सिलसिले में मैं यहाँ पे मौजूद था, तो हमने कहा आज सुप्रीम कोर्ट को भी विजिट करते हैं, जाके देखते हैं कि काजी साहब की अदालत में क्या हो रहा है। कैसा लगा? काजी साहब से तो नहीं मेरी मुलाकात हुई अभी, मैं खुश ही रहता हूँ भाई, आपने मुझे कोई परेशान देखा? वैसे ये काजी साहब की शक्ल देखने पे, काजी साहब को देखें, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि काजी साहब ने बड़े अच्छे नोटिस दिए, बड़ी अच्छी चीजें की हैं, बहुत सारे लोगों को इंसाफ देने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे भी बुला के पूछ ले, मैं उन्हें बता दूंगा। सर काजी साहब ने एक दफा कहा था कि अगर इमरान रियाज साहब ये समझते हैं कि उन्हें अगवा किया गया तो वो यहाँ के कोई अपील दायर करें और फिर उसके बाद हम उसको केस को सुनेंगे। मैं बच्चा हूँ, मैं वो रोटी को चोची कहता हूँ, मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है, ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रियासत पूरी तरह नाकाम रही है, मुझे बुलाकर पूछे बताता हूँ क्या हुआ। अच्छा सर काजी साहब की बातें हो रही हैं, तो एक केस आपका था और दूसरा अशर शरीफ साहब का केस भी इसी सुप्रीम कोर्ट में है, कई अरसे से पेंडिंग पड़ा, वो सुनना चाहिए, पता नहीं क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखिए बल्ले वाले केस को तो मेरे ख्याल में बल्ले बल्ले कर दी थी दो दिन के अंदर ही काजी साहब ने, और एक अजीबो गरीब काम मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी ऑनर है उसके लिए, एक इतना बड़ा हमारा इंस्टीट्यूशन है और वो एक बरतानवी सफीर को जवाब जा रहा है हमारी तरफ से, ये तो बहुत ही अजीब है, और जिस तरह का वो जवाब है वो उससे भी ज़्यादा अजीब है। यानी ये काम तो वजारत खारजा कर सकती है, ये काम वजारत कानून कर सकती है, अदालत को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, यानी ये गवर्नमेंट थोड़ी है, ये तो अदालत है, अदालत अपने फैसलों को इस तरह अगर जस्टिफाई करेगी हर जगह पर तो सारी ज़िंदगी जवाब ही देती रहेगी, ये अदालत का काम नहीं था। ये अर्शद शरीफ साहब के केस का क्या होगा? हाँ जी अर्शद शरीफ साहब के केस का यहाँ सुना जाना चाहिए जी, यहाँ सुना जाना चाहिए और उसको फौरी तौर पे लगाना चाहिए, उनकी फैमिली इंसाफ के लिए इंतजार कर रही है।